चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, लास्ट क्लास। अरे शांति, लास्ट क्लास बेसिक्स के ऊपर था और वो यूट्यूब पे अपलोडेड है, हमको याद है सारा लाइन, पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है पहले बोला हुआ है। तो वो क्लासेस जिनका छूटा हुआ है वो प्लीज कवर कर लेंगे। बाकी आज अपने मेनली चालू करने वाले हैं सीएस एग्जीक्यूटिव क्या होता है और कैसे अपना सिलेबस फ्रेम्ड। सीएस एग्जीक्यूटिव में ग्रुप टू में ये पेपर आता है और ग्रुप टू का पेपर नंबर आपको मालूम है कौन सा है? ये 8th, यानी कि आखिरी। और आपको मालूम सीए में भी आखिरी पेपर यही है, मतलब सीए लोग का भी 8th पेपर ये है, सीएमए लोग का 5th पेपर है। तो अपने लोग का ये आखिरी पेपर होगा, हिम्मत रहा जंग लड़ने का तो आखिरी दिन तक जा पाओगे, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्टी होता है इस पेपर देने में। मतलब आई एम नॉट जोकिंग, आप देखना आप भी जब देंगे, आपसे प्रीवियस वाले जो देंगे अभी, 50% ऑफ द पीपल डोंट गिव लास्ट एग्जाम। मतलब देने चालू करते हैं 50% लोग तो बीच में बोल्ड हो जाते हैं, खत्म, आगे तक जाते ही नहीं है, क्योंकि 8 दिन लगातार एग्जाम होता है, 8 डेज कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक, और वो भी टाइम भी बड़ा गंदा है, पता है। तुम लोग बच गए क्योंकि तुम लोग जब दोगे जून में दोगे, जो लोग इस टर्म में देते हैं ना उनका दिसंबर वो 25 से 31 तक होता है, तो पूरा वो मजा भी खत्म और प्लस पढ़ाई करो 8 दिन जब सब लोग मजा कर रहे हैं। बट आप लोग का टाइम बेनिफिशियल है क्योंकि आप लोग जब देंगे वो जून में होगा, तो जून में जब एग्जाम होगा ना आपका तो आपके पास समय रहेगा। बट जून में एक डिसएडवांटेज क्या है कि जून के 1st-2nd वीक में होता है, दिसंबर का एडवांटेज क्या है, लास्ट वीक में होता है, तो आपका एग्जाम थोड़ा जल्दी होगा उन लोग से जो लोग दिसंबर में देते हैं। पहला एक डिसएडवांटेज अपना। दूसरा अपना एडवांटेज जो सीएस इंस्टीट्यूट इस बार किया है, वो कर दिया अल्टरनेट पेपर्स फॉर ग्रुप्स। मतलब ग्रुप 1 का जो खाली देगा उसके लिए एक एक दिन छुट्टी है बीच में, जो ग्रुप 2 देगा उसके लिए एक एक दिन छुट्टी है, जो दोनों देगा उसके लिए कोई छुट्टी नहीं। इसका कारण आपको मालूम? पहला कारण ऐसा 8 दिन क्यों था, क्योंकि सीएस इंस्टीट्यूट के पास पैसा नहीं है कि वो 16 दिन के लिए भाड़ा पे ले जाएगा, लिटरली, क्योंकि उनके पास 16 दिन के लिए कोई जगह को बुक करने का पैसा नहीं है, इसीलिए वो क्या करते हैं अपना कॉस्ट कटिंग के लिए 8 दिन के लिए बुकिंग करते हैं। बट पहले उनका नियम था 8 दिन लगातार एग्जाम, अब वो सीएमए वाला चीज कॉपी किए कि सीएमए ऐसा करता है, लेता 8 ही दिन है, बट 1 दिन ग्रुप 1 1 दिन ग्रुप 2 1 दिन ग्रुप 1 1 दिन ग्रुप 2, तो दे हैव कॉपीड दैट थिंग फ्रॉम सीएम एंड अप्लाइड इन सीएस, जो बेनिफिशियल रहता है जो लोग एक एक ग्रुप देते हैं। और जो लोग फाइनल में पहुंचते हैं उनका 3 ग्रुप होता है, वो तो बहुत एडवांटेजियस है क्योंकि ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 जो उसमें सिर्फ एक ग्रुप देता है उसको बीच में 2-2 दिन का छुट्टी मिलता है। फाइनल लेवल तक जाते जाते जनरली लोग 2 ग्रुप को टारगेट करते हैं, क्योंकि 9 पेपर पढ़ना और लगातार देना 9 पेपर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सीएस फाइनल का 9 पेपर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लॉज है, बहुत थ्योरीज है जो याद रखना पड़ता है। बाकी अपने को तो 8 पेपर क्लियर करना है भाई, और अपना सिलेबस पैटर्न थोड़ा कंसाइज्ड है एज कंपेयर टू फाइनल ऑब्वियसली, एंड दूसरा अपने में एमसीक्यू भी है। भैया ये पेपर कैसा है, ये पेपर 8वां पेपर है और उसमें 60 और 40 का बाइफरकेशन है। 60 मार्क्स इज फॉर FM एंड 40 मार्क्स इज फॉर SM। पहले ये 60 मार्क ओल्ड सिलेबस में था ही नहीं, ओल्ड सिलेबस में ये पेपर बोल के कुछ नहीं था एग्जीक्यूटिव में, फाइनल में पढ़ाया जाता था 100 नंबर के लिए। अब उसको चेंज करके बोला इंटर लेवल पे ही ला दो, नहीं तो मुश्किल होगा, जल्दी आइए, इंटर लेवल पे ही ला दो नहीं तो मुश्किल होगा, तो इसीलिए आप इंटर से ही इस चीज को पढ़ना चालू कर देते हैं। भैया तो फाइनल में फिर पढ़ेंगे क्या? ना, फाइनल से हटा के इंटर में डाल दिया, तो इट इज बिकम बेनिफिशियल, क्योंकि फाइनल में जो 100 नंबर के लिए पेपर पढ़ना पड़ता था अब वही 60 मार्क के लिए इंटर में पढ़ना पड़ता है। भैया चैप्टर्स उतने ही है, 2-3 चैप्टर्स कम किए, 2-3 चैप्टर्स, तो भैया हमारे लिए टोटल कितने चैप्टर्स है आप बता सकते हैं? देयर आर इन टोटैलिटी योर चैप्टर्स आर 13, यानी 60 नंबर के लिए अपने को कितना चैप्टर पढ़ना है? 13। इंस्टीट्यूट के किताब में आपको हो सकता है चैप्टर का सेग्रीगेशन वैसा नहीं हो जैसा हम दे, बट आई हैव गिवन दिस सेग्रीगेशन अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स ऑल्सो, तो 13 चैप्टर देखने में 13 लगेगा, बट करते वाइज आप देखेंगे ना तो एवरेज में 8 से 9 चैप्टर है,
मतलब द टाइम गैप अगर अपने एक एवरेज चार क्लास पकड़े हर चैप्टर के लिए तो इट विल टेक अराउंड 9 चैप्टर, यानी 4 क्लास इंटू 9 कितना होता है आपका, बोलिए 36। अब ये 36 अपने को करने में कंप्लीट करना है एफएम, यानी 60 नंबर के लिए 40 क्लास एक बार पकड़ते हैं रफली, ठीक है ना। तो 40 क्लास अगर हफ्ते में अपने तीन तीन दिन करके करे तो कितना टाइम लगेगा, आप लोगों को थोड़ा कैलकुलेशन आता हो तो 12 हफ्ता यानी 3 महीना, 3 महीना यानी कि अगर एक बार इग्नोर करे सितंबर, क्योंकि दुर्गा पूजा का छुट्टी है और दिवाली का छुट्टी है अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, चलो ज्यादा से ज्यादा आप जनवरी टानेंगे, यानी जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एफएम का। तो अपने को फिर क्या करना है, टोटल टेस्ट, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना, डिफरेंट जगह से एमसीक्यू निकालना, क्योंकि अभी क्या है ना, इंस्टीट्यूट हैज नॉट गिवन एनी रिसोर्सेज रिगार्डिंग टू एमसीक्यू, दे हैव ओनली गिवन इन देयर बुक 100 एमसीक्यू इन टोटैलिटी, 100 एमसीक्यू ऑफ ऑल चैप्टर्स, ऐसा नहीं ईच चैप्टर, ऑफ ऑल चैप्टर। अब यार 100 एमसीक्यू में क्या हो जाएगा, 100 तो क्वेश्चन ही आने वाला है, मतलब वही 100 का 100 पूछ लेगा क्या, तब तो हम हर दिन वही चाट के चले जाए कि यार यही आने वाला है 100 क्वेश्चन। बट दे हैव गिवन ओनली वन मॉडल पेपर टू जज कि कैसा क्वेश्चन आने वाला, तो दे हैव नॉट गिवन अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज जिससे अपने लोग कुछ कर सके। और तो इसीलिए आई टीच सबसे पहले कि यार बेसिक्स तो जानना ही जानना है, लॉन्ग क्वेश्चन कम जानना है एज कंपेयर टू सीए, बट लास्ट में जाके एमसीक्यू खूब प्रैक्टिस करना। अभी मैं आपका एमसीक्यू बुक तैयार कर रहा हूं साथ बाई साथ, हर 4 चैप्टर के बाद आपको मिलेगा जैसे मैंने आपको कहा, ताकि आपका 4 ट्रंचेज में आप कंप्लीट कर सको चीज को, और एक चैप्टर का करके एमसीक्यू लाभ भी नहीं है, तुरंत हो जाएगा। तो वैसे करके 4 चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मिलेगा, और वो 4 चैप्टर का अपने एक साथ दिमाग लगा के बनाएंगे। भैया और कहां से करें, अगर लिटरली हमसे पूछो तो हमको भी नहीं मालूम कि और कहां से करें, और तरीका कुछ नहीं होता, क्योंकि आई हैव प्रिपेयर्ड एमसीक्यू फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। लाइक सबसे पहले तो आपका सबसे बड़ा यंत्र होता है एक स्कैनर बोल के आता है टैक्समैन का और सुचिता प्रकाशन का, आप सुने होंगे फाउंडेशन लेवल पे भी, आई हैव यूज दैट रिसोर्सेज ओनली, कि यार उनमें जितना दिया हुआ था वो मर्ज करके मैं आपको दे दूंगा, कि जितना वो बोल रहे हैं उतना तो कवर हो जाए। दूसरा अपने क्या ट्राई करेंगे, वो इंस्टीट्यूट का जो 100 है वो कवर करें, वो होने के बाद अपने ट्राई करेंगे जो दिसंबर में पेपर आए वो कवर कर ले, और अगर तब तक इंस्टीट्यूट और कोई मटेरियल लाता है तो वो कवर कर ले। तो अपना बेसिक ये चलेगा, क्या डन है कि कहां कहां से अपने को कवर करना है। भैया टेंशन ज्यादा लेना है क्या, ये बताइए ना, टेंशन बहुत कम लेना है, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट आपको तंग नहीं करेगा, और ना आपको इनसे तंग होना है, आपको इन सब चीज को थोड़ा लाइटली लेना है। बट जितना देर क्लास में बैठे हो प्लीज ध्यान से पढ़ाई करना, मतलब हम जानता है आपके लिए इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस कम होगा, हम वैसा बात नहीं करता है कि पढ़ो मेरा सब्जेक्ट है ये है वो है ना, जो चीज का जितना अहमियत उसको उतना ही इज्जत देना चाहिए। जैसे हम सीए को उल्टा बात बोलता है, लॉ और ऑडिट को कम इज्जत दो और प्रैक्टिकल पेपर्स को ज्यादा इज्जत दो, वहीं आप में थोड़ा उल्टा बोलेंगे, क्योंकि आप लोग के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पास होंगे तब ये तो धक्का मार के भी निकाल लेंगे। तो ये चीज वैसा है, क्योंकि एमसीक्यू है बाकी 3 प्रैक्टिकल पेपर्स, आपको क्या है ना इतना पढ़ने का दरकार नहीं। अब आप लोग का एक डिसएडवांटेज क्या हो गया, आप टैक्स का भी आपका बेनिफिट हुआ है कि आप एक इंडिविजुअल जहां पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं सोनी सर के या निकुंज सर के कहीं भी, आपको ऐसा बेनिफिट मिलेगा जो वो अलग से एमसीक्यू ही पढ़ा रहे हैं एक्सक्लूसिवली आप लोग को, है कि नहीं, एक बैच है आपका एक्सक्लूसिवली फॉर एमसीक्यू, मतलब आपका ही सीएस का, तो वहां बेनिफिट हो गया। अविनाश का बेनिफिट क्या हो गया, एक्सक्लूसिवली फॉर सीएस है, और हम लोग मेरा भी बेनिफिट क्या हो गया, एक्सक्लूसिवली फॉर सीएस है। नहीं तो क्या होता है, आप बेकार का सीए सीएमए में जाके उनका ज्ञान ले रहे हैं, एमसीक्यू कुछ समझ नहीं रहे, और प्लस आपको उतना सीखना ही नहीं है जितना सीखना था, प्लस सीख भी ले तो अप्लाई करना तो सिखाइए वो होगा ही नहीं, क्योंकि वहां तो सीए के प्रचार के हिसाब से किया जा रहा है। तो इसीलिए मेरा इस बार का मोटिव ही था कि हम अलग से सीएस पढ़ाए चाहे कितने भी बच्चे आए, क्योंकि सीएस को अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा तो वो लोग बह जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा अरे बाप रे इतना टफ है, जबकि उनके लिए उतना टफ है ही नहीं चीज, 60 नंबर के लिए पहले तो पढ़ना है और वो भी एमसीक्यू है, तो हम इतना क्यों स्ट्रगल करें जितना वो लोग कर रहे हैं। आई विल गिव लेस इंपॉर्टेंस टू सच सब्जेक्ट देन दे आर गिविंग, दे नीड टू गिव इंपॉर्टेंस टू सच सब्जेक्ट, क्योंकि उनको यहीं पे नंबर उठाना, आपको यहां नंबर नहीं उठाना, आपको मेन नंबर लॉ में उठाना। डन हो रहा है,
लॉ को इंपॉर्टेंस देते रहिएगा, जबकि मेरी सब्जेक्ट नहीं है फिर भी मैं बोलता हूँ, बट यस सैक्रिफाइस इसको भी नहीं करना है, साथ में लेके चलना है। हम एक ही चीज मांगता है आपसे, हम खाली आपको क्लास में ज्ञान देगा, 2 घंटा से 1.5 घंटे की क्लासेस, 1.5 घंटे से 2 घंटे की क्लासेस सुनना, चले जाना, आने से पहले सिर्फ 10 से 15 मिनट पढ़ के आना। अगर इतना मेरे लिए कर लोगे मेरे ख्याल से बहुत है। आई एम जस्ट डिमांडिंग यू 15 मिनट्स फॉर एवरी क्लास। इफ यू विल स्टडी माई 1 आवर 50 मिनट्स का क्लास को इन 15 मिनट्स, इट विल बी एबल टू बी कंप्लीटेड एज वेल एज आप लोग उसको समझ भी पाएंगे। आप जैसे लास्ट का क्लास देखे होंगे, घर में जाके रिवाइज करेंगे तो 10-15 मिनट में हो जाएगा, तो वो करिए, क्योंकि क्लास में तो बोलने में करने में सब टाइम लगता है, समझने के बाद 15-20 मिनट में चैप्टर रिवाइज खत्म। और एक इंपॉर्टेंट चीज, मैंने हर एक चैप्टर के लिए आपके लिए, क्योंकि सीएस के लिए और इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल चैप्टर का एक एक पन्ने में समरी नोट्स बनाया, यानी आपको एक पन्ना देखना है और एग्जाम में बैठ जाना है, सिर्फ एक पन्ना, उसमें सब लिखा हुआ है। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक पन्ना, कैपिटल स्ट्रक्चर का एक पन्ना, हर चैप्टर का एक पन्ना, ऐसे करके मैंने 14 शीट्स बनाया, आपको 14 शीट्स देखना है, घुमाना है, एग्जाम में चले जाना, लास्ट डे प्रिपरेशन, क्योंकि टाइम कम रहेगा, इसीलिए मैंने एक एक दिन के हिसाब से काम किया, एग्जाम से पहले क्या करना है इन लोग को। डन है आप लोग के लिए? तो एमसीक्यू होने वाला है तो काफी आसान है अपने लिए। चलिए ठीक है भैया, अब बताइए ना भैया, 13 चैप्टर में हम लोग के लिए क्या कोई बेसी इंपॉर्टेंट, कोई कम इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, बट अभी तक पता नहीं इन द सेंस अगेन कि इंपॉर्टेंस किसको ज्यादा दिया जाएगा, बट एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन से चले तो जो चैप्टर बड़ा है उसको ज्यादा वेट, जो चैप्टर छोटा है उसको कम वेट, ऑब्वियसली। ठीक है, तो अपने जो 13 चैप्टर 14 चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें अपने चालू कर रहे हैं आज एक चैप्टर से, जिसका हेडिंग देंगे अपने क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हेडिंग दीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, काफी सुंदर चैप्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कहाँ हैं बाकी लोग? रेडी? चलो कोई बात नहीं, अपने चालू करते हैं। बंद करना है तो बंद कर लो वहां साइड में। हाँ, एक और सब ठंडा लग रहा है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, दिस चैप्टर विल बी ऑफ अराउंड 7 मार्क्स, मतलब 7 MCQ करीब मेरे को लगता है इससे आना चाहिए। वेरी ह्यूज नंबर, ऐसे देखा जाए तो आप लोग के लिए तो 7-7 नंबर बहुत बड़ा मायने रखता है। भैया ये कितने क्लास में आप खत्म कर देंगे? आई विल फिनिश दिस इन 5 क्लासेस, तो 5 क्लास आपको 7 नंबर फेच करेगा, तो अगला 5 क्लास तो एकदम शिद्दत से पढ़ना है, और दुर्गा पूजा से पहले तक मैं खत्म कर दूंगा। पहला बात आपके मन में आ रहा होगा, ये दुर्गा पूजा का छुट्टी कब मिलेगा, ये लोग बता दे तो हम लोग उस हिसाब से अपना टिकट बनाए। तो बता दे मेरी क्लासेज ऑफ रहेगी 1 से 10, तो आप 10 दिन के लिए अपना इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है अभी फेस्टिव सीजन है, थोड़ा मजा करो, अभी तो चालू किए यार, इतना टेंशन नहीं लेते। बाकी का क्या है मेरे को नहीं मालूम, मेरी क्लासेज 1 से 10 छुट्टी रहेगी, आप जितना एंजॉय करना चाहते हैं कर लीजिएगा, बट उसके बाद मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं दूंगा, आपको रेगुलरली क्लासेज आने पड़ेंगे। ठीक है, 1 to 10 आपका छुट्टी रहेगा, 1 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक। दुर्गा पूजा कब तक है ऐसे? 10 तक ही तो है शायद, 10वीं कब है? 10वीं 8 को है ना, 10वीं, हाँ तो वही 9-10 तक छुट्टी दे देंगे, एक दो दिन हैंगओवर उतारने में भी तो लगेगा, हैंगओवर उतार लेना उसके बाद बैठेंगे, उस समय यार अलाउड नहीं रहता है, तो उसके बाद ही तो हैंगओवर निकलेगा, तो हैंगओवर उतारने के लिए 1-2 दिन दिया, अपने 10 तारीख से ही चालू करेंगे। ठीक है, चलो जो भी मेरा डे बैठे। दूसरा बात, अपने देख रहे थे कि अभी अपना मंडे 2 बजे हो रहा है और सैटरडे 2 बजे हो रहा है, एक दिन और मेरे को डालना है, जो आप डालने दे नहीं रहे हैं, हमको तंग कर रहे हैं, बट हम डाल देगा, चिंता मत करो। ठीक, अभी चालू करते हैं क्लासेस। ठीक है, चलो 7 नंबर का टॉपिक, तो मतलब तो यार दम है टॉपिक में, और ये समझेंगे ना तो ही आगे का चैप्टर समझ पाएंगे। भैया समझा दीजिए आज ये चैप्टर, बिल्कुल ध्यान से सुनना, चैप्टर का नाम में छुपा हुआ है चैप्टर का मीनिंग। नाम क्या है भैया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? एनीवन, इंग्लिश मीनिंग नहीं, हिंदी मीनिंग नहीं, जस्ट नॉर्मल भाषा में यदि मेरे को समझा सको तो, आपका जो भाषा अच्छा लगता है आपको, एक नॉर्मल मतलब इसका, कैपिटल मतलब क्या हिंदी में या इंग्लिश में क्या मतलब होता है?
एंटोनिम सिनोनिम जो बोलना बोलो यार तुम लोग, इसका अपोजिट इसका मीनिंग, रन द बिजनेस, ठीक ठीक है, बहुत टेक्निकल चतुर वाला स्टाइल यूज किए हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुन, कैपिटल का मतलब कुछ नहीं होता है, धंधा चलाने के लिए जो रुपया चाहिए, जो सर बोले, यानी कि कोई भी बिजनेस करने के लिए जो पैसा चाहिए उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल दो तरीके का होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल जनरली डे टू डे ऑपरेशन के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल जनरली लॉन्ग टर्म सोर्सेज के लिए चाहिए, क्योंकि अपने लोग का बैलेंस शीट जैसा दिखता है ना, उसमें यहाँ यहाँ दो चीज आता है और सामने में दो चीज आता है। बताएंगे हम किसका बात कर रहे हैं आपको, यहाँ क्या क्या आता है, फिक्स्ड एसेट्स करेंट एसेट्स, यहाँ क्या क्या आता है, कैपिटल और करेंट लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है, ये सब शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में ब्रेक किया गया कैपिटल को, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म फाइनेंस काम आता है करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, जिसको आप लोग बचपन में वर्किंग कैपिटल बोलते थे, याद आ रहा है, वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स काम आता है जनरली, और ये फिक्स्ड एसेट्स को काम करने के लिए लॉन्ग टर्म फंड्स का दरकार। धंधा करने के लिए यानी स्टार्ट करने के लिए वी नीड कैपिटल। अब उस कैपिटल का क्या कुछ खर्चा लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि कोई भी कैपिटल का उपयोग क्योर करने का देयर आर सम एक्सपेंस। भैया मेरे पास ही पड़ा है लाख रुपया, तब क्या उसका कोई कॉस्ट होगा, बिल्कुल होगा, करेक्ट। आपके पास जो रुपया पड़ा है उसका खर्चा है उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज, जो हम आपको लास्ट डे भी बोल रहा था, उसका खर्चा है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। यानी अगर आपके पास लाख रुपया जेब में है, मतलब आप लाख रुपया पे कुछ खो रहे हो, तो आप क्या खो रहे हो भैया, सपोज ब्याज ही जा रहा है, बट कुछ तो जा रहा है, तो धंधा में लगाएंगे इसका मतलब उसका कुछ खर्चा है। क्या खर्चा है भैया, अगर हम इस धंधा में लगा रहे हैं तो पक्की बात है हम कहीं और नहीं लगा रहे, कहीं और नहीं लगा रहे मतलब हम उसका रिटर्न खो रहे, वो उसका खर्चा। बट अगर दूसरा से ही सीधा ले रहे तो कुछ खर्चा हो गई, आज किसी से दूसरे से दोस्त से मांगने जाएंगे वो क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना, तो वो इंटरेस्ट इज माई कॉस्ट टू प्रोक्योर दी कैपिटल। यानी आज का थीम रहेगा प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स टू डू व्हाट भैया, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, टू डू व्हाट, कॉस्ट मिनिमम। याद है दो ऑब्जेक्टिव्स था, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैंने कहा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को दूसरा नाम दिया गया कॉस्ट मिनिमाइजेशन, यानी मेरे को क्या ट्राई लेना है, जितना सस्ता में मैं प्रोक्योर कर सकूं उतना बढ़िया, जितना सस्ता में मैं प्रोक्योर कर सकूं उतना बढ़िया। भैया बताइए ना, सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है तुम लोग के लिए, तो तुम्हारा मम्मी पापा, कुछ भी चाहिए तो क्या करते हैं, मम्मी दे दो पापा दे दो, फ्री में मिल जाता है, क्या प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। बट बड़े बड़े लोग यानी कि कंपनी को पैसा चलाने के लिए, धंधा चलाने के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, यानी बड़े बड़े लोग भिखारी होते हैं भाई, दे आर कॉल्ड बोरोअर्स, और वो लोग किससे भीख मांगते हैं, हम जैसे लोगों से, वी आर इन्वेस्टर्स। ध्यान रखना अगली बार से, अपने आप को छोटा मत समझना, वो कंपनी वाले लोग भिखारी हैं, अपने हैं इन्वेस्टर जो पैसा लगा के रखे। किसी दिन इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आए ना, एक काम करना, एक शेयर ले लेना रिलायंस का, मालिक बन गए, एक शेयर तो खरीद ही सकते हैं यार 1300 रुपए का है, 1300 रुपया लगा लेना, मालिक बन गए रिलायंस का, भले ही 0.00001% होगा, बट कम से कम मालिक बन गए भाई। मेरे घर में एनुअल रिपोर्ट आएगा डेली, हर साल आपके घर पे एनुअल रिपोर्ट आएगा, आपको फोन आएगा, आपको बोला जाएगा आइए हमारे AGM सुन लिए तो, अभी तक तो AGM सुन लिए होंगे, तो मीटिंग में बुलाया जाएगा आपको, भले ही आप जाएंगे नहीं क्योंकि एक शेयर होल्ड किए हैं, बट एक भी शेयर होल्ड कर लोगे तो आपको उतना ही इज्जत मिलेगा जितना बड़े बड़े लोगों को मिल रहा है, यानी मुकेश अंबानी को मिल रहा है, क्योंकि आप भी उस कंपनी के मालिक। यानी कि आपको ये समझना है कि वी आर इन्वेस्टर्स एंड दे आर बोरोअर्स, तो उनके लिए खर्चा है, मेरे लिए कमाई है, जो उनके लिए खर्चा है वो मेरे लिए कमाई है, वो जो खर्चा बियर कर रहे हैं इस पैसा को पाने के लिए मेरा, वही चीज मेरे लिए क्या है, कमाई है, वो कैपिटल देने के लिए, तो ये हैंड इन हैंड जा रहा है, सामने वाले का खर्चा मेरा कमाई, मेरा कमाई सामने वाले का खर्चा। क्या डन है बात आपको, चलिए ठीक भैया, हमको एक बात समझ में आया आपका, कि हम लोग कॉस्ट का थिंकिंग रखेंगे,
कॉस्ट का थिंकिंग दो तरीके से चलता है, या तो उसका खर्चा निकाल लो या तो मेरा इनकम निकाल लो। इनकम निकाल लो मतलब रिटर्न निकाल लो, रिटर्न मतलब या एक्सपेक्टेड रिटर्न कि हम चाह कितना रहे हैं उससे, वही उसका एक कॉस्ट होगा। जैसे आज सपोज मैम मेरे से बोली कि भैया 1,00,000 रुपया चाहिए, हम बोला ठीक है मेरे स्टूडेंट ने दे तो देंगे बट थोड़ा सा ब्याज दे देना, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ब्याज दे देना। बोले कितना लेंगे आप, हम बोला 4%। तो बोला ठीक है चलो, बैंक से लेते तो 7-8% लगता, आप 4% में दे रहे हैं आप सही ले लेते, क्या मेरे लिए वो 4% कमाई है, तो इसके लिए वो 4% खर्चा, यानी उसको कॉस्ट पड़ रहा है हर साल का 4%, मेरे को हर साल का इनकम पड़ रहा है 4%। बस सीधा सा कंसेप्ट। अपने अभी किसके बारे में बात करेंगे, इन्वेस्टर की कंपनी, कंपनी और कंपनी का क्या निकालेंगे, खर्चा। पर हो सकता है खर्चा अपने रिटर्न पॉइंट से निकाले या कॉस्ट पॉइंट से निकाले, डिपेंड अपॉन दी सिचुएशन। जैसे मैंने अभी एक सिचुएशन दिया जिसमें रिटर्न पॉइंट से कॉस्ट निकला, और एक सिचुएशन हो सकता है कि इसके पास ऐसा कुछ है कि इसको कहीं से पैसा लेना है, तो इसके पास ऑप्शन था या तो 4% वाला ले या तो 3% वाला ले, तो ये क्या आंसर लेगी, 3% वाला लेगी, क्यों, 3% सस्ता पड़ रहा है इसको, तो कॉस्ट अप्रोच से उसको लोअर दी बेटर। क्या डन हो रहा है बात आप लोग को, पक्का आगे बढ़ सकते हैं, तो ये कंसेप्ट ठीक है। या सबसे सस्ता सोर्स कौन सा होता है, जैसे मैंने अभी आप डी में मिल जाए तो उससे अच्छा तो कुछ है नहीं, बट बड़े बड़े कंपनीज को फ्री में मिलता नहीं है, उनको हाथ फैलाना पड़ता है और कुछ पैसा देना पड़ता है। आप खुद सोच के बताइए, मैं 3 सोर्स लिख रहा हूँ, कंपनी के लिए कौन सा सबसे सस्ता होगा, मैं लिख रहा हूँ आप जज कीजिएगा। डेट मतलब डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, सोच के देखेंगे। मैंने वीडियो में बोला है, जितना लोग सुने होंगे मैंने वीडियो में ये बात बोला, बट कोई बात नहीं, मैं आज वापस से पढ़ा रहा हूँ, शुरू में ही बोला वीडियो में, वीडियो देखा, अरे चेहरे से पकड़ सकते हैं, इतना एक्सपीरियंस आ गया हमको, मालूम है नहीं देगा। ध्यान कीजिए, मैं वापस से बोलूंगा, आप खुद सोचिए ना, आज तक सुने भी नहीं है तो ट्राई ले लोगे। तरीका सुनाता हूं सोचने का, किसी भी जन का खर्चा सामने वाले का इनकम, सामने वाले का इनकम डिपेंड करता है उसका रिस्क पे, सामने वाले का इनकम डिपेंड करता है उसका, हायर द रिस्क हायर द, गलत, हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिटर्न नहीं वर्ड क्या आया, क्योंकि आज रिस्क लेंगे इसका मतलब ये नहीं कमाएंगे ही, रिस्क लेंगे ये सोच रहे हैं कि पक्का कमाएंगे, नहीं कमा सकते हैं। आज जैसे नवीन क्लासेस खोलने में आप लोगों को नहीं लगता हम लोग रिस्क लिए होंगे, जरूर रिस्क लिए हैं, क्योंकि हम लोग चाहते तो क्या कर सकते थे, जॉब कर सकते थे, बट वी ऑप्टेड टू टीच, तो वी हैव टेकन सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क, व्हाई, बिकॉज वी न्यू कि अगर हम लोग रिस्क लेंगे तो इस धंधे से हो सकता है हम लोग ज्यादा कमा सके। कमाए या ना कमाए वो तो डिपेंड करता है हमारा टीचिंग स्किल और हम लोग कैसा कर रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, हम लोग का नाम कैसे फैल रहा है, सब क्या, बोलो समझ में आ रहा है बात, यानी वी एक्सपेक्टेड कि वी विल अर्न मोर देन द जॉब इफ वी डू टीचिंग, तो वी हैव टेकन सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क टू अर्न हायर प्रॉफिट्स, क्या डन है बात। वैसे ही कंपनी लोग के लिए या बोल लो इन्वेस्टर लोग के लिए, अगर हम डेट किसी को दे रहे तो डेट इज अ कंपल्सरी पेमेंट मोड की नॉट कंपल्सरी, यानी इसमें तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसके लिए तो आदमी को पहले पैसा देना होता है, रिस्क कम की रिस्क बेसी, इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से सोचिए, अब इन्वेस्टर के रिस्क कम है, रिस्क अगर कम है तो रिटर्न भी क्या होगा, कम होगा, डेट के लिए रिटर्न भी क्या होगा, अच्छा रिटर्न कम मतलब सामने वाले का खर्चा कम, सोच के देखिए, अगर मेरा रिस्क कम तो मेरा रिटर्न कम, वही बोलते हैं ना मेरे क्या बोलते हैं जमीर में दम है वो सब बात, मेरे जरूरतें कम है तो मेरा अगर काम मेरे को चाहिए कम तो सामने वाला को देना भी क्या पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, क्या डन है आपको बात, ठीक। प्रेफरेंस ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा रिस्की होता है, थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा मालिकों वाला हक भी रखता है और थोड़ा डेट होल्डर वाला हक भी रखता है। आप धीरे धीरे लॉ में सब पढ़ेंगे कि उनके पास कभी कभी राइट्स होता है वोट करने का, कभी कभी राइट नहीं होता, जैसे कि प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ता, बट अगर प्रॉफिट नहीं हो कोई बात नहीं, आज मत देना बट कल देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा, बट इंटरेस्ट को चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो देना पड़ेगा। और इक्विटी को अरे हुआ तो भी नहीं देंगे, जाओ कुछ उखाड़ सकते हो तो उखाड़, क्योंकि मालिक हो तुमको अभी क्यों चाहिए, मेरे पास रहने दो, आराम करो थोड़ा, यानी इक्विटी होल्डर्स को
पेमेंट मिले नहीं मिले का कोई गारंटी नहीं, डेट होल्डर को गारंटी है, प्रेफरेंस होल्डर को पार्शियली गारंटी है। तो सबसे कम रिस्की कौन सा है? डिबेंचर्स। किसके व्यू पॉइंट से? इन्वेस्टर, करेक्ट। अगला प्रेफरेंस, उसके बाद इक्विटी शेयर्स। क्या बोलो, क्लियर हो रहा है आपको बात? तो फटाफट बताइए, यानी उनका रिटर्न कैसे होगा? डेट का थोड़ा कम, प्रेफरेंस का उससे ज्यादा, इक्विटी का उससे ज्यादा, तो कॉस्टिंग भी तो वही होगा। डेट का कॉस्ट सबसे कम, अगला प्रेफरेंस, अगला यानी इक्विटी का सबसे ज्यादा खर्चा लगता है, उसके बाद प्रेफरेंस का, उसके बाद डिबेंचर्स। क्या मन में आ रहा है? कहां से पैसा उठाए, कहां से पैसा उठाए? सबके मन में यही आता है। इवन मुकेश अंबानी के बुक्स में भी 1500 करोड़ का डेट है। आपको मालूम है 1500 करोड़ का डेट क्यों है भैया? डेट क्योंकि वो भी बाजार से पैसा उठा के रखा है धंधा करने के लिए, क्योंकि वो सबसे सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस है, सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस। बट भैया ऐसा होगा तो कोई भी इक्विटी इशू ही क्यों करता? सीधा ही हर बार क्या लो डेट, चलो 1500 करोड़ क्यों, 5000 करोड़ ले लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आज वो बोली हमको 1,00,000 रुपया चाहिए, तो हम बोला ठीक 4% पे ले लेना। कल आएगी बोलेगी हमको 2,00,000 लेंगे, मेरा थोड़ा मन कचोएगा, बट फिर भी हम बोलेगा चल अपनी स्टूडेंट है, चलो और एक बार दे देते हैं 4% परसों आएगी बोलेगी 10,00,000 चाहिए, नहीं लगता अब हमको भी लालच आएगा कि यार इतना ज्यादा मांग रही है, अब तो इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक तो मेरा रिस्क बढ़ रहा है, हम इतना पैसा ब्लॉक कर रहे हैं, प्लस मेरा जो अमाउंट है उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज जा रहा है। तो धीरे धीरे हम इस 4% को 5 करेगा, 5 को 6 करेगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। यानी जैसे जैसे क्वांटम बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। तो एक हद तक ये अच्छा लगता है, बट अगर ज्यादा अमाउंट चाहिए ना तो हद पार करने के बाद अपने क्या बोलते हैं, रहने दे। हम जैसे ही मना करेगा, हम जैसे ही 7 मांगने लगेगा, ये बोलेगी सर रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, आपसे ना हो पाई हमको बोलिए, हम दूसरा जगह से ले आएंगे। तो ये क्या करेगी, अब प्रेफरेंस होल्डर ढूंढेगी, बोले यार चलो प्रेफरेंस से पैसा उठाते, क्योंकि प्रेफरेंस का खर्चा सपोज 6.5 था, 4 था ना, ये उससे ज्यादा कितना, 6.5। बट हम जिस दिन 7 मांगने लगेगा वो क्या बोलेगी, हमको आपसे नहीं लेना, हम अब किससे लेंगे, प्रेफरेंस होल्डर। ऐसी प्रेफरेंस का फिर उम्मीद जगेगा, धीरे धीरे प्रेफरेंस होल्डर 10 तक पहुंचेंगे, तब पता चला था इक्विटी 9.5 में मिल रहा था, तो क्या करेंगे, भाई तुम रहने दे इक्विटी ठीक है। यानी कि देयर इज अ मिक्स्ड एंड ब्लेंड ऑफ ईच एंड एवरी कैपिटल इन द बिजनेस, वी कैन नॉट डू बिजनेस विद डेट ओनली, बट वी नीड अ मिक्स एंड ब्लेंड ऑफ एवरी कैपिटल। बट यस, अपने को कुछ ऐसा सोर्सेज ऑफ कैपिटल ढूंढना है जहां से खर्चा सबसे कम हो, यानी ऐसा कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है, ऐसा वेटेड एवरेज रखना है कि यार खर्चा भी कम लगे और सबको खुश भी कर दे। यही सीखना है एज अ फाइनेंस मैनेजर इस चैप्टर। क्या बोलो, डन हो रहा है आप लोगों को? थीम पक्का, चलिए लिखिए इस बात को, थीम ऑफ द चैप्टर, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, हर एक का पॉइंटिंग करेंगे, पॉइंट नंबर 1 थीम ऑफ द चैप्टर, पॉइंट नंबर 1 थीम ऑफ द चैप्टर। दिस चैप्टर डील्स विथ, दिस चैप्टर डील्स विथ डैश फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर। कौन सा फंक्शन? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। दिस चैप्टर डील्स विथ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड फंक्शन ऑफ, दिस चैप्टर डील्स विथ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। टू अचीव डैश ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऑब्जेक्टिव? टू अचीव डैश ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऑब्जेक्टिव? कॉस्ट मिनिमाइजेशन। टू अचीव
डैश ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। डन। पॉइंट नंबर टू, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कैपिटल, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कैपिटल। पॉइंट नंबर टू, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कैपिटल। आपके लिए सब थ्योरी भी बहुत काम का है, ज्यादातर थ्योरी भी पूछता है भैया। 60 मार्क में पूरा प्रैक्टिकल रहेगा ना, 35 से 40 नंबर प्रैक्टिकल, 20 से 25 नंबर थ्योरी, ठीक है ना। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 55-60% आपका प्रैक्टिकल रहने वाला है, 40% आपके लिए थ्योरी रहने वाला, बट थ्योरी भी प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। अगर ये सबको आप थ्योरी बोलेंगे तो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, मतलब रट रहे हैं आप। तो रटना नहीं है, चीज को समझना है और फिर लिखना है, ठीक है। चलिए समझ लिए, अब लिख लेते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस में काम करेंगे बेसिस, और उसके बाद बनाएंगे आप डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। बेसिस, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। रेडी? अरे वो सब टाइम गया, वो बचपन में करते थे, अब ये सब नहीं करते कि पेंसिल स्केल ये सब, अब सीधा पेन से मारो, सब टाइम गया, रफ बना रहे हैं, ये सब चीज अब नहीं करते हैं अपने लोग, बहुत ऊपर आ गए हैं। और आपको मालूम एग्जाम में तो नियम होता है एक पेन का, आप में नहीं है, बच गए। सीए में नियम है कि यू कैन राइट ओनली विथ वन कलर इंक, और वो भी ब्लैक, नियम कर दिया। देख रहे हैं लोग रंग बिरंगा कर दिया पूरा कॉपी को ही, मतलब इतना नहीं चलेगा। आप लोग को लिखना है एक पेन से लिखिए एग्जाम हॉल में, 4-5 पेन मत यूज कीजिए। चलो कोई बात नहीं, अपने लोग तो अभी एमसीक्यू है, क्या ही कर लोगे, सर्कल करके आना है लास्ट में। चलो बेसिस नंबर वन के लिए मैं आपको पूछ रहा हूं, रिस्क फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स मतलब कौन, कंपनी की अपने अपने, ये समझ लेना। इन्वेस्टर बड़े लोग हैं हम लोग, ओ कंपनी तो बोरोवर्स, भीख मांगते हैं अपने से। रिस्क फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स, बताइए कौन ज्यादा रिस्क की, हाई रिस्क, इसका लो रिस्क, या बोल ले नो रिस्क, बट थोड़ा बहुत तो रिस्क होता ही है क्योंकि कहीं डिफॉल्ट कर दे तो, बट अपने लोग वो सब चीज का भी गारंटी लेके रखते, मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टीज, और बीच का मॉडरेट, ये बीच का आदमी है, इसको सब हल्का हल्का मिलता, दोनों फ्लेवर। रिस्क फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर ये निकला। तो नंबर टू बताइए, एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स किसमें सबसे कम होगा? हाँ, लो, और यहां हाई, यहां समझ में आ रहा है? जो बताया उसको सब लिखवाऊंगा, आपको कोई टेंशन नहीं है रनिंग नोट्स मेंटेन करने का। आई विल गिव यू अप्रोप्रिएट टाइम टू राइट, अगर मैं नहीं बोलता हूं तो आप मेरे को रोक देना कि भैया जो बोले लिखाइए पहले, ठीक हम लिखवा दें। डन है? चलिए थर्ड नंबर पॉइंट, कॉस्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, या कॉस्ट ऑफ कंपनी। यानी कौन होते हैं कंपनी, बोरोवर्स, कॉस्ट ऑफ कंपनी बोरोवर्स किसका कम होगा सबसे? डिवेंचर्स का लो होगा, इसका मॉडरेट रहता है, और इसका हाई, जनरली है सब। तो अपने क्या चाहेंगे, हमेशा क्या कर ले,
डिवेंचर से पैसा उठाते रहो बट वो लोग भी तो कभी ना कभी लालच खाएगा, यानी वो लोग भी अपना रिटर्न एक्सपेक्टेड बढ़ाएगा और अपने को शिफ्ट करना होगा कैपिटल्स में। इसीलिए वी नीड अ प्रॉपर मिक्सड एंड ब्लेंड ऑफ एवरी कैपिटल। क्या डन हो रहा है आपको बात? पहले बोलो ये थीम क्लियर हुआ आपको कंपैरेटिव एनालिसिस एक बार के लिए? चलिए ठीक, अब अपने लोग चालू करेंगे पॉइंट नंबर 3 से, जिसमें अपने सीखेंगे एक ओवरव्यू लेंगे टॉपिक का। ये समझाएगा आपको कि अगला 4-5 क्लास अपने क्या करेंगे इस चैप्टर में। ओवरव्यू बता रहा हूं, कोई भी चीज का खर्चा आप रुपया में बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बताओ, रुपया में बोलेंगे कि नहीं? ठीक, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखना आपको कितना समझ में आए बात। 10 रुपया खर्चा लग रहा है, सुनना खाली, 100 रुपया पाने के लिए 10 रुपया खर्चा लग रहा है 1000 रुपया पाने के लिए, कौन सा केस सिलेक्ट करोगे? 10 रुपया खर्चा लग रहा है 100 रुपया पाने के लिए और एक जगह 10 रुपया खर्चा लग रहा है 1000 रुपया पाने के लिए, कौन सा केस सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली सेकंड, क्यों? कम खर्चा मत बोलो, खर्चा सेम लग रहा है ज्यादा रुपया पाने के लिए, ऐसे बात करो, सेम रुपया लग रहा है ज्यादा रुपया पाने के लिए। ये इंफॉर्मेशन गायब कर दूं तो ए अच्छा की बी, दोनों सेम है, यानी रुपया से तोला जाएगा चीज को कि उस रुपये का खर्चा कितना रुपया पाने के लिए वो भी चाहिए, यानी वी नीड कॉस्ट एज वेल एज कैपिटल, तभी नाम क्या पड़ा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। खाली कॉस्ट से नहीं चलेगा, आप हमको ये भी बताइए कि वो खर्चा कितना रुपया पाने के लिए लगा, तब हम आपको बता पाएंगे कि कौन सा सोर्स लेना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको बात? हम बोले सोर्स ए में 10 रुपया लगेगा, सोर्स बी में 10 रुपया लगेगा, अरे कोई भी कर लीजिए, ना ना ना, पहले बताइए वो सोर्स ए से कितना रुपया मिलेगा और सोर्स बी से कितना रुपया मिलेगा। क्या समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं परसेंटेज निकालना। क्या निकालना? परसेंटेज। बताइए तो पहले वाले का कितना परसेंट हुआ खर्चा? इतना तो कर ही सकते हो यार, इसको तो देख के बोल सकते हो 10/100 10% होता है, ठीक कि नहीं? 10/100 10% होता है और 10/1000 1% होता है, 1%, यानी 10% के अगेंस्ट 1%, तो कौन सा बेटर है? 1%, यानी आप परसेंटेज में कॉस्ट निकालेंगे, किस पे निकालेंगे? परसेंटेज। या परसेंटेज में कॉस्ट निकालेंगे आपका मतलब ऊपर क्या रखेंगे न्यूमरेटर में, बताइए न्यूमरेटर में क्या आया? न्यूमरेटर में क्या आया? वो 10 रुपया, 10 रुपया क्या था? कॉस्ट इन रूपी। डिनोमिनेटर में क्या आया? कैपिटल इन रूपी, यानी जो पैसा मिला उसको खर्चा करने के लिए। पता है उस कैपिटल को क्या नाम दिया गया? आप लोग पढ़े होंगे ये सब चीज बचपन में अकाउंट्स में, इशू प्रोसीड्स। क्या बुलाते हैं इसको? इशू प्रोसीड। इशू प्रोसीड मतलब इशू करते वक्त जो पैसा मिला, प्रोसीड्स मिला। बचपन में पढ़े थे ना, शेयर इशू किए तो कितना पैसा आया, तो उसको क्या बुलाते हैं? इशू प्रोसीड्स। क्या बोलो, लॉजिक क्लियर हो रहा है? पक्का लिखिए इस बात को ओवरव्यू के अंदर। कॉस्ट ब्रैकेट में किस में निकालेंगे बताइए, रूपी में कि परसेंटेज में? परसेंटेज पर एनम। कॉस्ट ब्रैकेट में परसेंटेज पर एनम इज इक्वल्स टू बताइए फॉर्मूला आप लोग खुद। वेरी गुड, कॉस्ट इन रूपी, कॉस्ट इन रूपी डिवाइडेड बाई इशू प्रोसीड इन रूपी इंटू 100% इंटू 100%। कॉस्ट इन रूपी डिवाइडेड बाई इशू प्रोसीड इन रूपी इंटू 100%। एकदम आसान बात, माथा में गया ये पक्का? कोई भी चीज का खर्चा परसेंटेज में निकालेंगे, रुपया में नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता, परसेंटेज कंपैरेटिव एनालिसिस देता। जैसे आप बचपन में भी वो डिस्पर्जन चैप्टर पढ़े थे, स्टैंडर्ड डेविएशन, याद आ रहा है? बट स्टैंडर्ड डेविएशन से बेटर था को, वो क्या, बताइए कोरिलेशन नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोव, एसडी बाय मीन इनटू 100।
बचपन में थोड़ा बहुत याद होगा, बाय चांस मैथ्स कोई पढ़ाता है ठीक है ना, तो हमको आता है थोड़ा बहुत ठीक है। तो वो कॉव ज्यादा इंपॉर्टेंट था रिलेटिव मेजर के लिए, है कि नहीं, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर दो ठो था। तो वही कंपेयर करने के लिए परसेंटेज इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बताता है कितना रुपया पाने के लिए कितना खर्चा लगा। क्या डन है आपको बात? चलिए ठीक है भैया, तो आज स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 से चैप्टर का, और सबसे पहला कॉस्ट सीखते हैं जो कि है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले अपने सीखेंगे पॉइंट नंबर 4 आज, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। आज अपने पूरा बाकी का टाइम इसमें देंगे, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर ठीक है। चलिए भैया कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को शॉर्ट में कुछ लिखते हैं क्या? हाँ, वेरी शॉर्टली इट इज रिटन एज केडी। क्या लिखा जाता है? केडी, कॉस्ट। के स्टैंड्स फॉर कॉस्ट एंड डी स्टैंड्स फॉर डिबेंचर्स, के डी सबस्क्रिप्ट में आएगा ठीक है, के डी। तो भैया कॉस्ट ऑफ डिबेंचर सिखाना चालू कीजिए। आज अपने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स दो ठो सीखेंगे, 4 का ए और 4 का बी बाद में लिखेंगे। भैया 4 का ए बताइए ना, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सुने होंगे बचपन में डिबेंचर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, क्या क्या आप जानते हैं बताइए तो? कौन सा? सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, दो ठो ये बोला, वेरी गुड। और काफी टाइप्स होता है, आप सुने होंगे बचपन में, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल, और हमको जो चाहिए वो नहीं आया, एक दो ठो राइट आया आपका, वेरी गुड। रिडीमेबल, इररिडीमेबल, दो ठो था ना, एक रिडीमेबल और एक इररिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब, रिडीमेबल मतलब जो किसी सर्टेन पीरियड के लिए दिया जा रहा है, यार इतने साल के लिए तुमको दे रहे हैं, इतने महीने के लिए तुमको दे रहे हैं। और इररिडीमेबल मतलब, इररिडीमेबल मतलब जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता। तो डिबेंचर्स दो टाइप के होते हैं, पहला रिडीमेबल, दूसरा इररिडीमेबल। तो दोनों का खर्चा सीखना, डन। सबसे पहले क्या लिखेंगे 4 का ए में? रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर, चलिए रिडीमेबल डिबेंचर्स का कॉस्ट निकालना सीखते, रेडी? ओके भैया, फॉर्मूला बताएंगे क्या आप? आपको लगता है हम बताएगा कोई भी चीज का फॉर्मूला? ना, हम सम्स देगा, आपको करना है, कैसे मेरे को नहीं मालूम। हम सम्स के बाद फॉर्मूला बताते हैं, एक एप्लीकेशन सोचते हैं और उसके बाद सम्स का फॉर्मूला सीखते हैं, पहले फॉर्मूला और फिर सम्स से काम ही नहीं होता ठीक है। चलिए लिखते हैं एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1, ध्यान से सुनते रहिए। 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, ब्रैकेट में फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का दूसरा नाम कोई बोल सकता है? दूसरा नाम होता है, करेक्ट, याद रहता नहीं है, सब भूल जाते हैं, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। वेयर इशूड, वेयर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ, वेयर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 3% एंड रिडीम्ड एट पार, पार का मतलब फेस वैल्यू, एंड रिडीम्ड एट पार आफ्टर 5 years। ठीक है, कैलक्यूलेट केडी, कैलक्यूलेट केडी, माथा लगाए थोड़ा आपने मिलके। चलिए ठीक, इतना छोटा सा सवाल भैया, हाँ यही सब आएगा आपके तो, एक एक नंबर के लिए ध्यान से सुनना। 10% क्या है ये? वेरी गुड, इसको क्या बुलाते हैं?
इंटरेस्ट रेट आपको मालूम आज एक और बात सिखाऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट रेट का भी दूसरा नाम होता क्या लिखा, कूपन रेट। पहले जमाने में इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट के नाम से जाना जाता था। हो सकता है आपके किताब में आए कूपन रेट इज इक्वल्स टू 10%, कूपन रेट का मतलब इंटरेस्ट। पता है कूपन वर्ड क्यों आया, देखो बता रहा हूं ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पहले जमाने में ना डिबेंचर्स हार्ड कॉपी में मिलते थे, आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, सब ईमेल के थ्रू आते हैं, इंटरेस्ट डायरेक्टली एनईएफटी हो जाता है हर महीना के एंड में या हर साल के एंड में। बट पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था, पहले के जमाने में डिबेंचर्स हार्ड कॉपी के फॉर्म में कागज पकड़ाया जाता था और बोला जाता था साल के एंड पे आना, दिखाना और ले जाना। क्या दिखाना पड़ता था भैया उन लोग को, अरे कभी फन फेस्ट और में या दिवाली वियाली का प्रोग्राम में वो कूपन देते थे और खाना मिलता था ना, डेजर्ट्स का अलग, स्टार्टर का अलग, लंच का अलग, खो जाता था तो और गाली पड़ता था घर से। तो डेजर्ट्स वाला तो एकदम जेब में रखते थे एकदम कोना में कि यार आइसक्रीम तो लास्ट में लेना ही है, तो वो उस चक्कर में वो पॉकेट में रहता था और अपने निकाल के देते थे, वो अपने को दे देता था। सिमिलरली ये नीचे ऐसे डिबेंचर्स के छोटे छोटे कूपन होते थे जो क्या सिग्निफाई करते हैं, हर साल का इंटरेस्ट। पहला साल आते ही आप जाएंगे उसको ये कूपन फाड़ के देंगे तो वो आपको इंटरेस्ट देगा, हेंस द नेम कूपन रेट। सब चीज का एक लॉजिक है, नाम का, आपके जैसे नाम का वैसे सब चीज के नाम का लॉजिक होता है, क्या डर है बात आप लोग को, तो ये आया कूपन रेट। ठीक है भैया आप समझा रहे हैं, जा रहा है माथा में, आगे बताइए खर्चा कैसे निकाले। ठीक बताइए तो हर साल कितना ब्याज देना पड़ेगा डिवेंचर के बदले, 10% इशू प्राइस पे मारोगे कि फेस वैल्यू पे मारोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, याद है वाला बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन। तो बताइए 10% 100 का कितना हो गया, 10 रुपया, यानी हर साल 10-10 रुपया देना ही देना। पता है एक और खर्चा लग रहा, अरे डिस्काउंट पे इशू किए, कितना डिस्काउंट पे इशू किए बताओगे, 3% किसका, 100 रुपए का, यानी कितना, 3 रुपया डिस्काउंट पे इशू किए, यानी कि 97 पे दिए हैं, 90 कितना पे रिडीम कर रहे हैं, मतलब वो तो चलो उधर कोई खर्चा नहीं लगा, मैं उधर खर्चा कैसे लगता, अगर प्रीमियम पे दे देते तो और खर्चा लगता है, देते वक्त प्रीमियम पे दिए, लेते वक्त डिस्काउंट में लिए तो एक और खर्चा लगता, बट अभी तक कितना खर्चा दिख रहा है, एक तो कौन सा, 3 रुपए का डिस्काउंट। एक बार ये 3 रुपया आया कैसे मैं बोलता हूं सुनना, 97 पे इशू हुआ, रिडीम 100 रुपया पे हो रहा है, देखो तो 97 पे इशू हुआ, रिडीम 100 रुपया पे हो रहा है, यानी लेते वक्त उससे 97 लिए, देते वक्त उसको 100 दे रहे, यानी 3 रुपए का एक और खर्चा हम अपने जेब में डाले। बट ये 3 रुपए का खर्चा एक साल का है कि हर साल का है, ये पूरा 5 साल के लिए है, क्या ये 3 रुपया पूरा 5 साल के लिए है, क्योंकि ये थोड़ी हर साल लग रहा है, ये तो इन टोटल 3 रुपया लग रहा है 5 साल में, तो ये 5 साल में बांटेंगे हर साल कैसे, 3 रुपया डिवाइडेड बाई 5, हर साल कैसे बांटोगे, 3 रुपीज डिवाइडेड बाई 5, क्या बोलो समझ में आ रहा है आपको बात, 3 रुपीज डिवाइड बाई 5 इज 0.6, तो 10 रुपया लगा वहां और 0.6 लगा यहां, यानी कितना हो गया 10.6 खर्चा लगा, कितना खर्चा लगा 10.6 रुपीज कॉस्टिंग लगा, कितना रुपया पाने के लिए बताइए, गलत, वेरी गुड 97, कितना है इशू प्राइस, कितना है इशू प्राइस 97, कैसे आया इशू प्राइस, 3 रुपया डिस्काउंट पे दिए थे। बट ध्यान से सुनिएगा, एक CFA इंस्टीट्यूट और एक एक्चुअरी इंस्टीट्यूट जैसा आप बोले वैसा काम करता है, मतलब आप लोग उतने तेज हैं, बट CS इंस्टीट्यूट और CA इंस्टीट्यूट और CMA इंस्टीट्यूट क्या बोलता है ध्यान से सुनिएगा, CMA इंस्टीट्यूट, CA इंस्टीट्यूट और CS इंस्टीट्यूट बोलता है कि आप प्योक्योर तो 97 किए हो बट आप दे कितना रहे हो 100 रुपये, तो आप मोटा मोटी इन दोनों का एवरेज प्योक्योर किए हो, मतलब आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 करते थे ना, तो वो बोलता है आप एवरेज प्रोसीड्स निकालिए,
इश्यू प्रोसीड्स ने क्या निकाली है, एवरेज की, लिए कितना और दिए कितना का सिंपल एवरेज, यानी 97 और 100 का सिंपल एवरेज। क्या समझ में आ रहा है? 98.5। यानी कितना खर्चा लगा था, याद कीजिए तो, हम बोला था 10.6, कितना रुपया पाने के लिए, 98.5। अब क्या बोलेंगे, 98.5। चलिए डिवाइड कीजिए तो 10.6 डिवाइड बाय 98.5, 10.6 डिवाइडेड बाय 98.5 इनटू 100, 10.76 समथिंग आया क्या, 10.76। अब कैलकुलेटर लाए हैं तो आज 10.76%, ये हुआ अपने लोग का खर्चा इन परसेंटेज। ये इतना आसान, बोले तो आसान है, खर्चा निकालना है और कितना रुपया पाए वो निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देना आंसर। फटाफट बताइए वो ऊपर वाला कैसे निकाले थे, न्यूमरेटर बताइए, न्यूमरेटर कैसे निकाले थे, पहले इंटरेस्ट निकाले, उसके बाद क्या निकाले, सेकेंड इंटरेस्ट निकाले, सेकेंड क्या निकाले, कि वो जो गैप है ना किसके किसके बीच में, इशू प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस पे, उन दोनों का गैप भी मेरा खर्चा है, बट वो खर्चा एक साल का कि पूरे साल भर का, पूरे जितने टाइम पीरियड के लिए डिबेंचर इशू हुआ, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स क्या मिल जाएगा, एक एक साल का खर्चा, प्लस कर देंगे किससे, इंटरेस्ट का खर्चा से, क्या मिल गया टोटल खर्चा हर साल का, डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, इशू प्रोसीड्स की, इशू प्रोसीड्स और रिडेम्पशन प्रोसीड्स का एवरेज, एवरेज। बस आंसर आ गया, क्या लॉजिक क्लियर हो रहा है? चलिए भैया फॉर्मूला बताइए ना आप, क्या था फॉर्मूला बता देंगे क्या आप हम लोग को, देखो कितना बड़ा फॉर्मूला होता है ऐसे तो, केडी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट अमाउंट, करेक्ट, आप पहले इंटरेस्ट अमाउंट निकाले थे, प्लस आप निकाले आरपी और आईपी का गैप। व्हाट डू यू मीन बाय आरपी बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय आरपी बताइए, फिर अटक गया, व्हाट डू यू मीन बाय आरपी, एक सेकेंड रुकिएगा, आरपी माइनस आईपी में आरपी क्या है, रिडेम्पशन प्रोसीड्स, और आईपी क्या है, इशू प्रोसीड्स। आ गया, ओके, यहां वीडियो अटक गया है, वीडियो को वापस से स्टार्ट कर रहे हैं।